ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਤਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿਲ ਸੇ दोस्तों अब डायरेक्ट दिल से दे विच मैं थोड़ी मुलाकात करवा रही हूँ एक ऐसे कलाकार दे नाल जिन्हां दा नाम ते उन्हां दी सुरीली आवाज किसी भी जान पहचान दे मोहताज नहीं है ते ओ ने नछत्तर गिल दी जो कि अपनी लेटेस्ट एल्बम अखियां चो पानी दे नाल थोड़े सारे दे रूबरू होए ने तो फिर आओ जी मुलाकात करते हैं नछत्तर गिल जी दे नाल। नछत्तर जी साडे शो डायरेक्ट दिल से दे विच एक वारी फिर असीं थोड़ा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत मेहरबानी जी, डायरेक्ट दिल से देखने वाले सारे पंजाबियों नूं मेरे वालों एक बार फिर प्यार भरी सत श्री अकाल। इस शो दे राही एक बार फिर तुहाडे नाल गलबात करन दा मौका मिल रहा है। तुहाडे सारे गाने बहुत हिट होए ने, दर्शकां ने सुनने वाला ने बहुत प्यार दिता है। बिल्कुल, ते जदों तुसीं पिछे मुड़ के वेखदे हो अपनी पिछली लाइफ तों बाद तुसीं इस मुकाम तक पहुंचे हो, तुहाडे फैंस तुहानूं इन्ना प्यार करदे ने, किहो जिहा महसूस हुंदा है? बहुत चंगा फील हुंदा है। एक एल्बम तों बाद जदों एक होर एल्बम बनाउणी हुंदी है फिर जिम्मेवारी लगता, जिम्मेवारी बढ़ गई और वो कंपोजिशन मैं अलग करने की कोशिश करता हूँ। 2002 तो लैके हूँ तक मैं तकरीबन 6 जड़ियाँ एल्बम्स है स्रोतियाँ की झोली पाइया और एक तो एक बद के सब ने मैं प्यार दिता है। और मैं जो तुम मेरी सारिया एल्बम सुनोगे तो वो मैं कंपोजिशन का स्टाइल हर कैसेट च अलग किया, इस करके शायद परमात्मा ने कृपा की और जो स्रोतियाँ ने प्यार किया और मैंने लगता कि मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई, मैं होर ज्यादा एनर्जी ना होर चंगी कैसेट तैयार कर। वैल नछत्तर जी, 2 साल के गैप तो बाद तुम्हारी सोलो एल्बम आई है अखियां च पानी। मेरे नहीं जा रहे हैं मैं जानना चाहती हूँ कि इसका सबब किस तरह बनया? मैं हर जी एल्बम है वो तकरीबन 2 साल के वक्फे बाद करता हूँ। ओके, विचाले मैं धार्मिक जी एल्बम की सी अरदास करा या उस तो पहले की सी, लेकिन जी जी सोलो एल्बम है उन्होंने मेरे ख्याल 2 साल का गैप जरूर चाहिए ता कि स्रोते जोड़े थोड़े उड़ीकन और एक एल्बम तैयार करने 2 साल लगते भी है, इस कोई शक नहीं। देखो जो तुम चंगा मैटर करना है, चंगी कंपोजिशन करनी है, चंगा उदा म्यूजिक करवाना है ते उदी चंगी वीडियो करनी है, कंप्लीट जी एल्बम है वो तो मेरे ख्याल 1.5-2 साल का वक्फा वो जरूरी चाहिए। जे तुसी गिनती बतानी है फिर तुसी एक महीने च 2 एल्बम्स भी कर सकते हो। चलो जी, अच्छा है जी। ते हुण असीं ये जानना चाहते हैं तुहाडी इस लेटेस्ट एल्बम अखियां च पानी दे विच होर केड़े-केड़े ट्रैक्स ने? इहदे च एक ट्रैक जिहड़ा अखियां च पानी टाइटल ट्रैक वो चल रहा है और इहदी खास गल ये है कि ये टैंपो बड़ा अलग है। अच्छा, इहनूं कहिंदे असीं दीप चंदी टैंपो 6-8। यह पंजाबी सिंगर जिहड़ा बहुत घट गाएगा, इस रिदम नूं बहुत घट गाएगा, बड़ा औखा है रिदम च, इस रिदम च गा के नुकरां जिहड़ियां साडी संगीत दी भाषा च कहिंदे कि नुकरां तों मुड़ के आउणा वो बहुत औखा है इहदे च। और इहदे च 10 जिहड़े ट्रैक हैगे आ, इहदे च 2 ट्रैक जिहड़े 2 जिहड़े गीत ने वो पाकिस्तान तों SM सादिक साहब जिन्हां दे बहुत सारा मैटर जिहड़ा वो खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया सीगा। ओके, और इहदे च विजय धम्मी साहब दा एक बहुत बहुत प्यारा गाणा है। ओके, काला निजामपुरी साहब दा गाणा है और सती खोखे वाली है एक बड़ा अच्छा गाना। सो ही मेरे ख्याल च मेनू सारी जिंदगी मैं जिन्नी अज तक एल्बम च कीतियां सारियां हिट हुई बट ये करके मैं सुकून बड़ा मिले। वैल तुहाडी इस लेटेस्ट एल्बम के बारे में बहुत सारा कुछ पूछना है ते उस दे लिए उस तो पहला मैं ले लैनी एक छोटा जिहा ब्रेक। बिल्कुल हो जी। सो दर्शको मैं बहुत जल्द हाजिर होवांगी एक छोटे जे ब्रेक तो बाद, बने रहो PTC पंजाबी के नाल। डायरेक्ट दिल से वेख रहे सारे दर्शकों का ब्रेक तो बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वैल दोस्तों अज साडे नाल ने तुहाडे सारयां दे हरमन प्यारे सिंगर नछत्तर गिल जी। वैल नछत्तर जी, हुण मैं तुहाडी इस लेटेस्ट एल्बम अखियां च पानी दे बारे च ये जानना चाहती हाँ कि एक एल्बम का जिहड़ा म्यूजिक हुंदा है बहुत ही मेहनत नाल संजोया जाता है, तुहाडी इस एल्बम का म्यूजिक किसने संजोया है? हमेशा की तरह गुरमीत सिंह जी जिन्होंने मेरी तकरीबन सारी एल्बम्स का संगीत दिता है। ओके, समझ लो इश्क जगावी तो लैके धार्मिक दोवे लैके कुदरती गल है कि उन्होंने मेरे जो भाग बड़े बहुत रलते हैं, सुभाव बहुत ज्यादा रलता है। अच्छा अच्छा, मैं
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਬਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਜਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ मैं जानना चाहती हूँ तुहाड़ी इस एल्बम का टाइटल ट्रैक अखियां च पानी का वीडियो बहुत ही प्यारा बहुत अच्छी लोकेशन से शूट किया गया ये वीडियो किसने डायरेक्ट किया है ये वीडियो जी टोरंटो किया सी जाके ओके मेरे जिन्ने एल्बम जिन्ने वीडियो अज तक आए या तो असं पंजाब शूट करते हैं जो दिल्ली या बॉम्बे लेकिन इस बार जब मैं एल्बम तैयार कर रहा था तो स्पैशली मैं कंपनी वालों को स्पीड रिकॉर्ड्स तो दिनेश जी रूबी जी सोनू जी जिन्होंने ये भी नाल गल करनी बनती है कि उन्होंने मैंने इस बार बड़ा खुला छड़िया सी कि मैं क्या नहीं तो हमेशा कंपनी वाले नाल बैठते हैं सानू मैटर सुनाओ जी सानू कंपोजिशन सुनाओ जी की बनाया लेकिन वो कहते सानू मैं क्या तुसी सुनते लो कहते सानू फेथ है तू तो गुरमीत सिंह जो सानू तैयार करके दोगे माड़ा नहीं करते अच्छा मैं उन्होंने कहा कि जे तुसी मेरे ते ना छड़िया है तो मैं चाहना इस बार इहदी वीडियो मैं अलग तरीके नाल करके आवां किते भी अब्रॉड जाके अच्छा सो फिर उन्होंने सारा अरेंज किया पर उदो टाइम नहीं सीगा कि असी टोरंटो जाके शूट करते क्योंकि उदो ठंड बहुत ज्यादा सी ऐ जिहड़े वीडियो असी -25 डिग्री शूट किए थे बहुत ज्यादा ठंड सी मतलब उदो बंदा सोच भी नहीं सकता असी बाहर हड जुड़ जान बंदे दे जांदे सी लेकिन वो जिहड़ी निग सीगा ना स्रोतियां दा मैनूं पता सी जदों ये वीडियो लोगों के सामने आ गया तो उदो जिहड़ा ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰਿੰਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਔਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਰਿੰਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਟਰੈਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ गली दे मुंडे झूठे ने जा मैं सच्ची हुई जवान कुड़ी शीशे नु पुछ रही शीशे दे मोहरे जाके अच्छा। कर दी अपना आप देख रही है ते ओ कमेंट्स भी उन्हें मिलते होने हैं ते ओ शीशे नाल गल्लां करदी है कि ओ मेरे गली दे मुंडे मैनूं सोहणे कहिंदे ओ झूठ बोलदे आ कि मैं सच्ची जवान हां वेल नचित्तर जी तुहाडी इस लेटेस्ट एल्बम दे बारे च हले बहुत सारी गल्लां सांझियां करनियां ने पर उस तों पहले छोटा ब्रेक होर लै लैंदे आ दर्शकों इस तरह बने रहो पीटीसी पंजाबी दे नाल मैं हाजिर होवांगी एक छोटे जिहे ब्रेक तों बाद नचित्तर गिल जी दे नाल ब्रेक तो बाद एक बार फिर डायरेक्ट दिल से दे विच मैं सतविंदर हाजिर हो चुकी है तुहाडे सारयां दे हरमन प्यारे सिंगर नछत्तर गिल जी दे नाल वैल हुण नछत्तर जी मैं तुहाडे कोल ये जानना चाहती हाँ कि इस एल्बम दे विच तुहाडे सारे ट्रैक्स विचों फेवरेट ट्रैक कहड़ा है मैनूं पता है कि सिंगर ज्यादा बोल लैंदे आ कि मां नूं सारे बच्चे प्यारे हुंदे आ बट फिर भी एक गाना क्योंकि जदों भी एल्बम तैयार करदे आ ते मैं इदां नहीं चाहुंदा हुंदा कदे कि एक या दो गीतां दी एल्बम च बाकी सारे गीत अठ गीत वैसे होण के जिहड़ा भी लावे ओह कहे यार दूजा गीत चंगा इहनूं रिवर्स करके सुनो तीसरा चंगा नहीं यार चौथा चंगा उहनूं फॉरवर्ड चूज करन इदां नहीं है मैं इस एल्बम च बड़ा ख्याल रखिया मैटर दा ओके स्पैशली इहदे च सारे गाने जिहड़े लव लव सॉन्ग्स हैगे ओह कुड़ी वल्लों है अच्छा मुंडे वल्लों ओके और इहदे च विजय तम्मी साहब दा गाणा मैनूं बहुत ज्यादा पसंद है मैं तेरा नाम ते आनिया बस तेनू चाहनिया मैं तेरा नाम ते आनिया बस तेनू चाहनिया तेनू किन्ना प्यार करा तेनू किन्ना प्यार करा बोल के दसिया जावे ना बोल के दसिया जावे ना एक पल जे मुख मोड़ा ते दूजा सा भी आवे ना एक पल जे मुख मोड़ा ते दूजा सा भी आवे ना मैं तेरा नाम ते आनी आ ਵੇਚਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਨੀਆ ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਜਾਏ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਾਉਂਡ ਖੇਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਚੁਣੋਗੇ ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ ਓਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਚਾਹ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਪਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਤਾ ਚਾਦਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸਟਰਨ ਸੂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਗਿਟਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੰਗੀ ਸਰੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਓ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ
ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਲ ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਸ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਲੇਟੈਸਟ ਐਲਬਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਲਬਮਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾਂ ਹਿੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਔਰ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੈਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ